जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि हमारी सीरीज चल रही है, इसमें यूनिट फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा चैप्टर नंबर है सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। ये आपका है मार्क्स, इस बार एमपी बोर्ड ने इसमें कंक्लूड किया है 5 मार्क्स। एक इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा आपका और 2 मार्क्स से 2 आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल आपका ये 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 4 मार्क्स इसके रहेंगे क्वेश्चन के और 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो अगर प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में बहुत सिंपल इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो हम पहली स्लाइड में इसमें देखेंगे और मोस्टली अगर आप लोग इसी को पढ़ लोगे तो इसी में आपका हो जाएगा। वैसे मैं और इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, इसी में से बने हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कराने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन आए हैं इसमें और वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, ओनली आपको क्वेश्चन पे इसके फोकस करना है। एक इसमें से ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है और एक आपका पॉलिनोमियल आएगा, उसमें आपको जीरो फाइंड करने आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसा कि हम क्लास में पढ़ते हैं पॉली प्लस नॉमियल, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग और दूसरा आपके टर्म के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी बात चल रही है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद द रियल कोएफिशिएंट, यहां पर जो कोएफिशिएंट होगा इज ऑफ द फॉर्म ax2 bx + c, हमेशा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। कई बार वन वर्ड से पूछा भी जा चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax2 bx + c, वेयर ए बी सी आर आपके कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, ओके, विद ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर यहाँ ए 0 हो जाएगा तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, क्या होती है, ax2 bx + c, वेयर ए बी सी आर आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड इसका टर्म क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है पावर, 1 हो 2 हो और कितना 3, आर कोल्ड, अगर लीनियर, अगर डिग्री 1 है कौन सा होगा, लीनियर, जैसे इस तरीके से लिखा जाता है ax + b, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये कौन सा होगा, लीनियर। पावर 2 है ax2 bx + c, तो आपका कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक, ओके। अगर पावर 3 है ax3 bx2 cx + d इक्वल, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या होते हैं यहाँ पर क्यूबिक, अगर पावर 3 है तो कौन सा होगा, क्यूबिक, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक और ये हो जाएगा क्यूबिक। इसकी पावर है 1, 2, 3, कई बार पूछा जा चुका है मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती है 2, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 3, तो ये आपको पावर भी याद रखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर यही होती है। पावर होगी वो ऑलवेज आपकी किसमें होगी, नेचुरल नंबर पर है, यहाँ पर आपको याद रखना है नेचुरल नंबर में ही पावर होती है। चलिए सेकंड क्या लिखा है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरो, इसके 2 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरो हो सकती है, जितनी इसके ऊपर पावर होती है, अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 कितने होंगे, 2 जीरो होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो इसमें कितने मैक्सिमम 0 होंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 3 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर हम जीरोस का सम निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा यहाँ पर, सी अपॉन ए। लास्ट वाला लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में आता है, ax + b, 0 only 1 पॉलिनोमियल, इसका जो 0 आएगा ओनली 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है 1 ओनली, ठीक है। तो इसका जीरोस जो आएगा तो माइनस का बी अपॉन ए 0 आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोटे तौर पर इतना याद रखना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और ये आपका सम ऑफ जीरोस पिछले साल पूछा गया है, इस साल चांस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। लीनियर पॉलिनोमियल के ओनली 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, मतलब 3 सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर, मतलब एक्स की जो वैल्यू निकल के आएंगे यहाँ से, लीनियर से 1 निकलेगी, क्वाड्रेटिक से 2 निकलेगी और क्यूबिक से 3 सॉल्यूशन इसके निकलते हैं। तो बेसिकली इतना आपको मोटे तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो इस साल के लिए जो क्वेश्चन आए हैं और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और बाकी के 2-3 क्वेश्चन और हैं इसमें इम्पोर्टेंट, बाकी क्या इसी के आपके अराउंड घूमने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अगर एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो
इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और लीनियर इक्वेशन में डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, पहले यहाँ जी ऑब्जेक्टिव आपका सारा शायद 2019 का ऑब्जेक्टिव है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा भी बताया था। अल्फा इनटू बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, क्या होने वाला है यहाँ पर सी अपॉन ए होता है। ठीक है, याद रखना इसी का ये वाला अल्फा प्लस बीटा, इसी साल पूछा गया क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, दोनों याद रखने हैं। जब कब होगा जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, ये भी 2019 का है, जीरोस ऑफ दी पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री विल बी एक्स स्क्वायर, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दी गई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसके जीरो कितने होंगे, तो पहली बात ये जीरो आपके दो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, जीरो टू होने वाले। अब जीरो निकालते कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू किसके रख दिया जीरो के, अब ये माइनस का थ्री इधर इसको सेंड कर देंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर थ्री। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री लिखा, थ्री तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो क्या करते हैं फिर इसको रूट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स जब इसके ऊपर एक्स स्क्वायर है तो ये किसमें आ जाएगा रूट में, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर। जब भी हम किसी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं तो वो दोनों नंबर लेके आता है, सॉरी दोनों सिंबल लेके आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, प्लस और माइनस का थ्री, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस थ्री। ठीक है, इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव बने आपके, जैसे सपोज दैट यहाँ कोई और नंबर दे देता है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, तो ये किसका कितना हो जाता है प्लस माइनस रूट के अंदर सेवन। अगर स्क्वायर बन जाता सपोज ऐसा लिखा होता है एक्स स्क्वायर सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, तो ये इसका कितना हो जाता, ये तो फोर का स्क्वायर बन जाता, इसका आंसर कितना हो जाता प्लस माइनस फोर। इस तरीके से आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दैट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार, और शायद इसी साल, हाँ इसी साल का ऑब्जेक्टिव भी था यही वाला, एक नंबर में यही पूछा गया था, इसमें आप एक ही नंबर का इसमें से ऑब्जेक्टिव आया था। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये क्लास नाइन्थ का है लेकिन टेंथ में पूछा गया एक बार वन वर्ड में, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें क्या होता है, हम क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ दो वेरिएबल की बात की है, एक एक्स का वेरिएबल और एक वाई का वेरिएबल, और डिग्री कितनी होनी चाहिए दोनों की बात, क्योंकि लीनियर पॉलीनोमियल है, इसको याद रखना लीनियर पॉलीनोमियल टू वेरिएबल आ जाए तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल, सॉरी सी इक्वेशन है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हाँ तो इसको आपको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, अगर ये पॉलीनोमियल में आ जाएगा तो आपको ए एक्स बी वाई प्लस सी इतना छोड़ना है। ठीक है, इक्वेशन जब भी आएगा तो आपको जीरो के इक्वल रखना पड़ता है, ये तो आपको बताया था मैंने, और जब पॉलीनोमियल आएगा तो आपको इतना ही यहाँ पर छोड़ना और बाकी आपको यही लिखना पड़ेगा वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ये आपके कौन से नंबर होने वाले हैं, रियल नंबर होने वाले। ठीक है, और फोर्थ फिफ्थ जो है इसका क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरो माइनस थ्री एंड फोर, अगर जीरो दिए हैं माइनस थ्री और फोर तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगी। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर इन वैल्यू को रखना पड़ता है, पहली वैल्यू किसकी होती है अल्फा प्लस बीटा की, कितनी लिखी है यहाँ पर थ्री प्लस फोर, ये वैल्यू किसका है थ्री अल्फा और ये क्या है बीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री प्लस कितने फोर, फिर से ध्यान सुनिए ये वैल्यू अल्फा की और ये वैल्यू किसकी है बीटा की, तो ये फॉर्मूला चाहो तो आप याद कर सकते हो डायरेक्ट, कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है टूल मार्क्स का, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर एक्स की जगह कितना आ जाएगा अल्फा की जगह माइनस थ्री और बीटा की जगह कितना प्लस का फोर, प्लस एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू फोर, इसका क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फोर माइनस थ्री माइनस प्लस वन और माइनस का वन कितना हो जाएगा माइनस का एक्स थ्री फोर या ट्वेल्व, तो ये आपके क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की फॉर्मेट में आपको इस तरीके से लिखना होता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी ये अल्फा की होगी और ये वाली वैल्यू बीटा, जब तक बोला ना जाए सम ऑफ जीरो, अगर सम ऑफ जीरो आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं दिया जाए जीरो दिया जाए तो पहली वैल्यू अल्फा की होगी दूसरी वैल्यू बीटा की होगी। ठीक है, सिक्स वाला ये वाला क्वेश्चन लिखा है रूट एक्स प्लस टू इज अ पॉलीनोमियल, क्या ये पॉलीनोमियल है, तो यहाँ बिल्कुल पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि पॉलीनोमियल में हमें पता होता है एक्स के बाद वन बाई टू, ये क्या फ्रैक्शन के फॉर्मेट है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में कभी नहीं होगी जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पावर हो सकती है उसको जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं, और वन होगी टू होगी थ्री होगी, इस तरीके से पॉलीनोमियल की पावर होती है। ठीक है, तो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में या बाकी के नंबर में नहीं होगी, या तो जीरो होगी या जीरो के बाद वन टू थ्री पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेचुरल नंबर में होगी, जीरो पॉलीनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत कम बुक में दिया जाता है,
वन का ही रहता है, तो वन की क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, टू पावर होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, थ्री पावर होगी तो क्यूबिक होगा। ठीक है, सातवें नंबर का क्वेश्चन है, बढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में बताई थी अभी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस कितना डी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है थ्री। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखनी है आपको, और आपको इसकी डिग्री भी याद रखनी, मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है थ्री। तो सबसे ज्यादा पूछने के चांस इसी के इस पर। ठीक है, बढ़ते मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल कितनी होती है इसकी थ्री। तो ये आपके इसमें से सिक्स या सेवन टाइप के बनते हैं, और मैंने बता दिया अगर बनेंगे तो इसी के अराउंड घूमने वाला है। तो इनको आप एक बार जरूर देख लें, थोड़ा सा अभी देखें, और बाकी जब पेपर देने आए तो इनको